नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल दीपावली है और आज नरक चौदस है, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को दिवाली मनाने का ऐलान पहले ही कर चुकी है बीजेपी, और आज इस समय जब आप और हम इस कार्यक्रम में हैं, अयोध्या में 21 लाख से ज्यादा दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है बीजेपी। 21 लाख दियों के लिए कितने लाख लीटर तेल लगा होगा और इस पर जो करोड़ों का खर्च आया उसमें जनता की जेब कितनी कटी होगी, ये बात तो छोड़ ही दीजिए। साल दर साल हम और आप ऐसे ही बीजेपी को दियों के जलाने का रिकॉर्ड बनाते देख ही रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूपी में लाखों दिए जलाने वाली बीजेपी क्या इस बार के पांचों राज्यों में भी दीपावली मना पाएगी, यानी क्या उसे सत्ता में आने की खुशी मिलेगी, या फिर अब की दिवाली कांग्रेस वाली का नारा सच होगा, अब की दिवाली कांग्रेस वाली। जी हां, इस बार कांग्रेस ने अब की दिवाली कांग्रेस वाली की जो मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई है वो काफी चर्चित हो रही है। मध्य प्रदेश में केवल 6 दिनों में वोटिंग है और कांग्रेस का दावा है कि न केवल बीजेपी हार रही है बल्कि शिवराज सिंह चौहान भी विदाई के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, यानी कि उनकी विदाई भी तय हो चुकी है। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र मध्य प्रदेश के लिए जारी कर दिया है, जिसे कांग्रेस ने जुमला पत्र कहा है। जुमला पत्र कहते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुरनेत क्या कुछ कह रही हैं, जरा उसको सुन लेते हैं, फिर इस घोषणा पत्र में क्या कुछ है वो भी देखेंगे और ये समझेंगे कि आखिर आने वाले समय में जनता के मन में कौन है, राहुल गांधी हैं या मोदी हैं। पहले सुप्रिया सुरनेत को सुनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले 96 पृष्ठों का जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने रिलीज किया। इसका नाम मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा रखा गया है। लेकिन मोदी की गारंटी वाले इस घोषणा पत्र पर, इस जुमला पत्र पर मोदी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया है। अन्य राज्यों में जहां रिलीज हुआ वहां मोदी जी अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं, इस जुमला पत्र में मोदी जी ने भी हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये झूठ तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। इतने जुमले हैं कि उन्होंने भी किनारा कस लिया और मामा जी को इसमें एक जगह हस्ताक्षर करने का मौका मिला। मैं जानना चाहती थी कि क्या बातें हो रही हैं इस घोषणा पत्र में, इस जुमला पत्र में, तो मैं उनकी प्रेस वार्ता सुन रही थी जहां पर आपके एक भी सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जुमला पत्र के आवरण का समारोह नहीं है, अनावरण का, ये कहीं पर शिवराज जी की विदाई का समारोह होता हुआ मुझे दिखा। एक गाना भी बाद में चलाया गया। तो यहां कांग्रेस बता रही है कि मामा जी यानी शिवराज सिंह की विदाई तय है और ये जो समारोह घोषणा पत्र का है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी की विदाई का समारोह ऐसा दिखा। वैसे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जैसे गेहूं 2700 और धान 3100 रुपये क्विंटल खरीदेगी बीजेपी, तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक, विंध्य एक्सप्रेस, मध्य भारत एक्सप्रेस, रीवा और सिंगरौली में एयरपोर्ट, ग्वालियर और जबलपुर में भी मेट्रो, लाडली बहनों को पक्के मकान दिए जाएंगे, ये तमाम बातें यहाँ घोषणा पत्र में है। हर एसटी ब्लॉक में, शेड्यूल ट्राइब्स के ब्लॉक में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, हर ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। देखिए बड़े बड़े दावे, गरीब परिवार के बच्चों के लिए 12वीं तक की शिक्षा फ्री, गरीब कल्याण अन्न योजना में चावल गेहूं दाल के साथ साथ सरसों तेल और शक्कर यानी चीनी देंगे। लेकिन 18 सालों के शासन के बाद भी अगर बीजेपी को मुफ्त अनाज की बात कहनी पड़े, और आप याद कीजिए कि मोदी जी रेवड़ियां बांटने वाली बात कह रहे थे, फ्री बीज को लेकर के सामने आए थे, तो मोदी जी की कहनी जो करनी और कथनी में कितना फर्क है वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यही है कि अगर आज भी 18 साल से ज्यादा का वक्त आप गुजार चुके हैं मध्य प्रदेश के शासन में, वहां सरकार में रहते हुए, उसके बाद भी आपको इतनी सारी चीजें देनी पड़े, पक्के मकान और सस्ते सिलेंडर की घोषणा करनी पड़े, तो समझ सकते हैं आप कि इस राज्य में गरीबों का और खासकर महिलाओं का हाल क्या है।
राहुल गांधी इसी को जुमलेबाजी कहते हैं और अब मोदी के साथ ये जुमला शब्द जो है वो ऐसा चिपक गया है कि उसे अलग करने में बीजेपी को खूब परेशानी हो रही है। आपने राहुल गांधी के भाषण को पिछले दिनों सुना होगा। राहुल गांधी तो अपने कई भाषणों में मोदी के वादों और गारंटियों की बखियां उधेर कर रख देते हैं। जरा उसी का एक नमूना आपके सामने पेश करता हूं, सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। आदिवासियों के लिए बीजेपी के समय तेंदुपत्ता के लिए कितना पैसा मिलता था, एक बोरी के लिए कितना मिलता था, 2,500। कांग्रेस पार्टी के समय में कितना मिला आपको, 4,000 रुपए। अब आप लिख लीजिए, 4,000 रुपए नहीं 6,000 रुपए आपको मिलेंगे, लिख के रख लीजिए आप, 4,000 रुपए का आपको हर साल बोनस मिलेगा। ₹23,000 करोड़ हमने किसान न्याय योजना में आपको दिया, आपने मांगा नहीं। हमने कहा भैया हम न्याय योजना करना चाहते हैं, हमारा प्लान था लोकसभा में करने का, हम छत्तीसगढ़ में इसको टेस्ट करके दिखाएंगे और हमने कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, जब बीजेपी की सरकार यहां थी कर्जा माफ किया उन्होंने, धान के लिए सही रेट दिया क्या, तेंदुपत्ता के लिए सही रेट दिया, बोनस दिया, मुफ्त में बिजली दी, तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग, मतलब क्या बात कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, जैसे मैंने पिछले चुनाव में कहा था किसान का कर्जा माफ होगा, पेन निकाल के आप लिख लीजिए, इस बार किसान का कर्जा माफ होगा। किसान का कर्जा माफ होगा। पिछली बार हमने कहा था बिजली बिल हाफ, इस बार जो 200 यूनिट बिजली के हैं वो आपके माफ हो जाएंगे। अब इसका तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, यहां लगातार हमलावर हैं मोदी जी पर और मोदी की सरकार पर यानी बीजेपी पर और लोकल जो सरकारें बीजेपी के हैं उन पर, और कह रहे हैं कि ये जो वादे करते हैं उन वादों को देखिए, ये झूठे वादे हैं जिसको अमल में बीजेपी नहीं लाती है, लेकिन हम जो बात करते हैं, हम जो कहते हैं, जो वादे करते हैं उसको तत्काल निभाते हैं, और इसके लिए वो छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्नाटक को भी अब सामने रखती है और कहती है कि कर्नाटक में हमने ताजा तरीन उदाहरण देती है कांग्रेस पार्टी की, जो हमने वादा किया था उस वादे को हमने करके दिखाया है। मोदी और बीजेपी के इरादों को तेलंगाना कांग्रेस ने भी एक पोस्टर के जरिए दिखाया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनके दो अन्य विरोधियों का मजाक उड़ाते हुए होर्डिंग्स लगाए हैं। इन होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री को तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को कठपुतली की तरह नचाते हुए दिखाया गया है। ये देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तस्वीर में देखिए, ये तेलंगाना की सड़कों पर एक नहीं कई ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी, एक तरफ KCR है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं और कठपुतली वाला जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके हाथ में डोर है और कठपुतली को नचा रहे हैं। और यही बात तो राहुल गांधी कहते आए हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि बी टीम है, कैसे बी टीम है ये आप सबने देख लिया, ये जो तस्वीर है बहुत मारक तस्वीर कह सकते हैं, बहुत एग्रेसिव तस्वीर आप कह सकते हैं आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो भी तेलंगाना की सड़कों पर, तेलंगाना के ये फ्लाईओवर्स पर आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें जो फुटओवर ब्रिज के ऊपर की तस्वीरें हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आपको समझ में आ सकता है कि क्या कुछ वहां हो रहा है। आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मोदी की रैली से पहले कांग्रेस ने ये पोस्टर लगा दिए हैं। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो उधर नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद में अपनी रैली कर रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और जिससे तेलंगाना का चुनावी पारा एकदम गर्म हो गया है। उसी रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना था और वहां ऐसी तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर प्रधानमंत्री के
मन में क्या कुछ आ रहा होगा वो तो वो जाने, लेकिन कांग्रेस के इरादे बता रहे हैं कि अब वो एक साथ अपने तीन तीन विरोधियों का सामना करने के लिए तैयार है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ केसीआर यानी कि बीआरएस, और तीसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस की ये आक्रामकता, ये सख्ती क्या चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाकी विरोधियों को कमजोर करेगी? ये बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या इसके जरिए हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जनता के मन में आखिर है कौन, राहुल या मोदी? क्योंकि ये चुनाव राहुल बनाम मोदी करने की कोशिश जो बीजेपी कर रही थी, वो बीजेपी चाहे ना चाहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वहां के जो लोकल नेता हैं, आप देख लीजिए, अगर आप जाइए इधर राजस्थान तो वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं जो बीजेपी के लिए एक बड़ी दीवार बनकर खड़े हैं। दूसरी तरफ आप देखिए छत्तीसगढ़ में जाइए तो भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव एक दीवार की तरह और उनका साथ देते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई देते हैं। उसी तरह आप अगर मध्य प्रदेश जाइए तो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि वहां पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बड़े से 230 सीटों वाले इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों वाला प्रदेश इन पांच राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश है। 230 सीटें हैं यहां पर और इन 230 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये दोनों दीवार की तरह खड़े हो गए हैं और इनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और साथ में शिवराज सिंह चौहान और तमाम नेता वहां इर्द गिर्द मंडराते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या सफल होंगे? आज घोषणा पत्र से क्या ऐसा लगता है? और तेलंगाना आप जाइए देखिए, 119 सीटें तेलंगाना की और वहां पर भी तीन तीन पार्टियों के सामने, बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम के सामने अकेले खड़े नजर आते हैं राहुल गांधी और उनके साथी। प्रियंका गांधी भी वहां जा चुकी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जा चुके हैं और रेवंत रेड्डी वहां के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी। तो ये तमाम नेताओं की जो इन चुनाव में, मिजोरम का चुनाव हो चुका है इसलिए उसका जिक्र मैं यहां नहीं कर रहा हूं, इन तमाम पांचों राज्यों के चुनाव में जिस प्रकार दीवार के बनकर कांग्रेस खड़ी है, और ऐसे में क्या जनता के मन में है, जनता के मन में कौन है? क्योंकि मोदी जो हैं वो इन तमाम राज्यों में अपने दम पर, अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी लोकल नेताओं को सामने रखकर, चाहे वो अशोक गहलोत हों, चाहे भूपेश बघेल हों, या कमलनाथ हों, या रेवंत रेड्डी हों, इन सबको सामने रख करके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। लोकल बनाम दिल्ली वाला। दिल्ली वाला कौन? केजरीवाल नहीं, नरेंद्र मोदी। कौन जीतेगा? सबसे बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आखिर कौन है जनता के मन में, राहुल गांधी हैं या मोदी जी हैं? चलिए इससे पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं, इसके तह में जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। पांच वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन पांच वरिष्ठ साथियों के पास आ रहा हूं, पहले परिचय आपका करवाता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी, सीधे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी इस वक्त हमारे साथ। और मध्य प्रदेश, पहले आप जानते हैं कि राजस्थान में थे और राजस्थान से अब मध्य प्रदेश आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है इनसे बेहतर अभी कौन बताएगा। तो राहुल लाल जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। दिवाली की धूम है, पटाखों की गूंज होनी नहीं चाहिए क्योंकि चारों तरफ पॉल्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पटाखे मत जलाइए, मत फोड़िए, लेकिन फिर भी लोग मानते कहाँ हैं। उनको लगता है कि दिवाली साल में एक बार आती है, पटाखे फोड़ दो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, सांसें जो हैं वो थमेंगी तो थम जाएंगी, लेकिन आज तो मज़े ले लो। ज़रा सोचिएगा, गौर कीजिएगा कि आज मज़ा लेना है या ज़िंदगी भर मज़े से रहना है। चलिए, लेकिन दूसरी तरफ इसी दिवाली के बीच कांग्रेस वाली दिवाली, इसकी गूंज भी है। अब की दिवाली कांग्रेस वाली, ज़रा सुन लेते हैं कौन लोग कह रहे हैं ये बात। जरा तस्वीर ले आइए स्क्रीन पर और फिर आते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास में। अब की दिवाली कांग्रेस वाली, ये नारा सुनिए। और कौन बीच में दिखाई दे रही है लाल साड़ी में? सुप्रिया सिरनेत, जरा फुल स्क्रीन लेके आइए ऑडियो के साथ। हैप्पी दिवाली कांग्रेस वाली। स्वामी जी आपके पास ही सीधा आना चाहता हूं, कांग्रेस वाली दिवाली या मोदी वाली दिवाली,
कैसी दिवाली देख रहे हैं आप? क्योंकि एक दिवाली उधर अयोध्या में मनाई जा रही है, रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है, लाखों लीटर तेल। और कल आप देखेंगे कुछ तस्वीरें ऐसी भी आएंगी, क्योंकि पिछले 5-7 साल से तो रोज हम लोग हर साल दिवाली से पहले वो तेल नापने के लिए कुछ पत्रकार पहुंच जाते हैं, तो और उसको हम छापते भी हैं। तो कल कुछ लोग नापेंगे तेल, कुछ फोटोग्राफर्स फोटो खींचेंगे, कुछ लोग आसपास के लोग आएंगे, उन दियों के तेल को एक जगह इकट्ठा करेंगे और वो ले जाएंगे, उससे खाना बनाएंगे घर का या अपने घर के दिए को जलाएंगे। तो एक तरफ रिकॉर्ड बनाने के लिए कितने लाख लीटर तेल जलाए जाते हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कि ये एक परंपरा है, ये छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में इस परंपरा को निभाते हुए सिर पर घड़े को रखे हुए और महिलाएं, और इन महिलाओं में कांग्रेस की नेत्रियां हैं, और ये हैप्पी दिवाली कांग्रेस वाली कह रही हैं। और उधर अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि एक नहीं हम तीन दिवाली मनाएंगे, जिसमें एक दिवाली 3 दिसंबर को भी मनाएंगे। किसकी दिवाली मनने वाली है या किसका दिवाला निकलने वाला है? आपने पूछा कि अगली दिवाली किसकी मनने वाली है, अगले साल कौन दिवाली मनाएगा। देखिए, पिछले 9.5 साल में हमने दिवाली मनते नहीं देखी है, हमने लोगों का दिवाला निकलते देखा है। हमने देखा है कि देश की 95% जनता जिसकी आर्थिक स्थिति बद से बदहाल हो गई है, जिसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, जिसकी इनकम कम हो गई, कोई भी वर्ग हो, 4-5% लोगों को छोड़कर देश का दिवाली मनी नहीं है। दिवाली तो अगले साल ही मनेगी। फिर आपने पूछा जनता के मन में कौन, राहुल या मोदी। देखिए राजीव जी, जनता भी दो प्रकार की है भारतवर्ष में। एक जनता वो है जो करीब 80% है, जो कि देश को प्यार करती है, देश की भक्त है, राष्ट्रभक्त है, जिसमें हम आप हैं। और बाकी 20% जनता देश की ऐसी है जो कि मोदी भक्त है। तो ये जनता दो प्रकार की है। तो 20% जो मोदी भक्त हैं उनके दिमाग में तो मोदी जी रहेंगे, वो तो हटने वाले मुझे नहीं लगता, 15% हो सकते हैं, 5-6% कम हो जाएं, और बाकी 80% बढ़ के 85% हो जाएंगे, जो कि देश को एकजुट देखना चाहते हैं, देश में एकता अखंडता चाहते हैं। फिर आपने अयोध्या की बात की। देखिए, लाखों लीटर तेल जलेगा, इसके अलावा मुख्य बात यह है, बहुत सारे अधिकारियों के और बहुत सारे नेताओं की कोठियां बन जाएंगी, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ रुपए का घोटाला होगा, और इस घोटाले में लोगों की कोठियां बनेंगी, बड़ी बड़ी कारें खरीदेंगे, जो आज हो रहा है कि कारें खरीदी, 50,000 कारें बिक गई, 60,000 कारें बिक गई, उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र के बारे में आपने कहा, अगर 2700 रुपए गेहूं खरीदना है मध्य प्रदेश में, और 3100 रुपए का धान खरीदना है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश वालों ने क्या गुनाह किया है? तोमर साहब, जो कि मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, MSP 3100 रुपए 2700 रुपए डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? और मुझे तो ये लगता है कि देश के किसानों को, किसान नेताओं को, भारतीय किसान यूनियन को और सभी लोगों को यह मांग करनी चाहिए केंद्र सरकार से, कि आप जाके ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जुमला उछाल रहे हैं, बाकी देश में MSP कम क्यों घोषित कर रहे हैं? 2700 रुपए में पूरे देश में गेहूं खरीदा जाए और 3100 रुपए में पूरे देश में धान खरीदा जाए। और अगर ये होगा, जो किसान बेचारे यही तो कह रहे थे जब अन्नदाता का आंदोलन चल रहा था, वो कह रहे थे कि आंदोलन हम वापस लेते हैं, लेकिन आप MSP पे ले लीजिए हमारा गेहूं और चावल। अगर MSP 2700 रुपए 3100 रुपए जाएगा, देश की 90% समस्याएं दूर हो जाएंगी, ना आपको उनको मुफ्त अनाज देना पड़ेगा, जब क्योंकि किसान को अगर पैसा मिलेगा तो अपने मजदूरों को भी पैसा देगा, वो जो है कि जो ग्रामीण परिवार हैं उनका भरण पोषण होगा, जो बटाईदार हैं, जो बटाई पे लोगों ने जमीन दे रखी है उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, देश के अंदर आर्थिक विकास होगा, सामाजिक समरसता आएगी। अगर जो ये जुमले उछाल रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर, अगर ये देश के किसानों को दे दें, देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वास्तविकता में दिवाली तो 9 साल से मनी नहीं, हम मनाते इसलिए हैं कि ये धार्मिक उत्सव है, भगवान श्री राम से संबंधित है, भगवान श्री राम हमारे दिल में विराजते हैं, दिवाली हम मनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का पैसा हम खर्च करते थे उस प्रकार का पैसा अगले साल खर्च करेंगे, क्योंकि 1 साल के अंदर मेरे देश के 70% लोग जो कृषि पे आधारित हैं उनकी आमदनी अगर 2000 से लेकर 2700 हो जाएगी, और 2500 तो चलिए छत्तीसगढ़ में दे रहे थे धान का, अगर 3100 हो जाएगी, किसानों की आमदनी अगर 25-30% बढ़ जाएगी, तो देश में अगले साल ऐसी दिवाली मनी होगी जो पूरा विश्व देखेगा,
घर घर दिए जलेंगे, घी के दीपक जलेंगे, अयोध्या में केवल तेल का घोटाला करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल का वादा किया है स्वामी जी, 3200 रुपए, बीजेपी 3100, कांग्रेस ने 3200। कांग्रेस इसमें और एक काम सोने पे सुहागा ये कि आपके ऊपर यानी किसानों के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कर्ज है, कृषि कर्ज, कृषि लोन, तो उसकी कर्ज माफी भी, जो जिसकी हिम्मत बीजेपी नहीं कर पा रही है। तो किसानों की दिवाली मननी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में किसकी दिवाली होगी इस बार, क्योंकि अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं कि 3 दिवाली मनाएंगे, उसमें से एक दिवाली इसी साल 3 दिसंबर को जब रिजल्ट वाला दिन आएगा उस दिन। क्या हमारे साथी जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी सीधे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, और ग्वालियर आप सब जानते हैं खूब चर्चा में रहता है और तब से और भी चर्चा में है जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पलटी मारी है। पलटी मारने के बाद भी क्या अब जो राजा साहब होते थे वो भाई जी भाई साहब हो गए हैं, उनके शहर में आप हैं और वहां से शायद आप मध्य प्रदेश को बहुत नजदीक से देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति को वहीं रह करके, जरा आपसे समझूं कि क्या जो दावे वादे कर रहे हैं बीजेपी के लोग और खासकर अमित शाह और मोदी जी, उन वादों से जनता वहां खुश है, जनता ये कह रही है कि नहीं अब की दिवाली बीजेपी वाली होगी, या उसी मध्य प्रदेश में जो अभी सिर पे घड़े लेकर के निकलते हुए आप कांग्रेस के नेताओं को देख रहे थे जिसमें बीच में लीड कर रही थी सुप्रिया सुरनेत, उनको देख रहे हैं, उनकी जो बात है कि हैप्पी दिवाली कांग्रेस वाली, क्या कुछ आप देख रहे हैं किसकी दिवाली राहुल लाल जी? कांग्रेस देखिए यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश को देखा है तो यहाँ पे कांग्रेस के लिए एक अच्छी खासी हम लोगों को अगर देखा सामान्य लोगों से बातचीत में एक हवा से बिल्कुल दिखाई देती है, और विशेषकर जब ग्वालियर में आप हो और यहाँ के लोगों से बातचीत कीजिए, बड़ी एक खुशी की लहर है उन लोगों में कि अच्छा हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। एक तरह से सिंधिया आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कि वो उनके लिए समस्या बने हुए हैं, और जो कहते हैं कि महाराज मुक्त कांग्रेस जो बहुत सारे पुराने कांग्रेस जन चाहते थे वो उसको सामान्य जनता भी कभी काफी अच्छा लग रहा है, मतलब जनता के मन में जो छवि है यहाँ पे सामान्य लोगों से बात कीजिए तो एक तरह से सिंधिया परिवार के प्रति एक गद्दारी वाली छवि, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं तो वो तो चर्चा करते करते राजीव जी जो वो 1857 के समय पहुंच जा रहे हैं, झांसी की रानी तक के लिए जो उस जमाने तक के इतिहास की चर्चा हो रही है। तो ग्वालियर में इतिहास बिल्कुल चर्चा में है और ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल जो है कि वो लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से हम लोग अगर देखें कि जो ग्वालियर चंबल संभाग है वहां पे जो स्थितियां नजर आ रही है कि कांग्रेस पुराने प्रदर्शन से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकती है हम लोगों को, तो सोच के देखें कि फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आज जब ये घोषणा पत्र जारी हुआ उसके बाद भी मैंने कई सारे लोगों से बातचीत की है, हर किसी का यही कहना है कि आप दावा कितना भी कर दीजिए प्रधानमंत्री के दावे में विश्वास नहीं है। मैं जब देखिए मैं पिछले एक साल से जब भी मैं राजस्थान आ रहा हूं या मध्य प्रदेश आ रहा हूं मैं लोगों से सवाल जो है दो तरफा पूछता हूं राजीव जी, कि एक सवाल तो ये होता है कि आप विधानसभा चुनाव में किसे वोट करने जा रहे हैं और आप लोकसभा चुनाव में अगले साल किसे वोट दे सकते हैं। वहां पर भी पहले ये होता था कि बहुत सारे लोग कहते थे कि मैं विधानसभा में तो कांग्रेस को देंगे हम लोग, लोकसभा में मोदी जी को देंगे, लेकिन अब बड़ी स्थितियां बदली हुई नजर आ रही है, लोग बिल्कुल एकदम क्लियर है कि भाई विधानसभा चुनाव में भी हमें हटाना है इन्हें और लोकसभा चुनाव में भी हराना है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं, जैसे जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव की घड़ियां ताप आ रही है वैसे ही लोगों के जो आपका शीर्षक है कि जनता के मन में कौन, तो 2024 के लिए भी सोचिए, 2024 के लिए भी लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी जी नहीं चाहिए लोकसभा चुनाव में भी। आप सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री जी के लिए अगर प्रधानमंत्री पद के लिए भी लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है कि भाई मोदी जी स्टार प्रचारक है उनके, तो आप सोच के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी दुविधा की स्थिति खड़ी है। हम लोग जैसे दिल्ली में भी देखते थे ना कि लोग कहते थे कि भाई विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी को देंगे लोकसभा चुनाव में मोदी जी को वोट देंगे, ये पैटर्न बिल्कुल बदलता हुआ दिख रहा है, यानी लोकसभा विधानसभा में मतदाता एक तरफ जाते हुए दिख रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज की लोगों ने निर्णय काफी पहले ले लिया, यानी कि 10-15 दिन पहले जो स्थितियां हम लोगों ने देखी थी अब लोग मुखर होकर बोल गए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार करके माहौल बनाने का झंडे झंडे लगा के माहौल बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उनके समर्थक मुखर नहीं दिख रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है जो बीजेपी के समर्थक सबसे ज्यादा मुखर दिखते थे आपको चाय के दुकान पान की दुकान दुकानों पर यहां वहां अलग अलग जगहों पर, उनकी मुखरता की तुलना में कांग्रेस के समर्थक अब ज्यादा मुखर दिख रहे हैं। बहुत लंबे अरसे बाद मैं ये परिवर्तन देख पा रहा हूं
राजस्थान के भीतर भी और अभी मध्य प्रदेश में, चूंकि चुनाव बिल्कुल सामने में, तो यहाँ पे वो मुखरता हमें और ज्यादा समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री जी के गारंटी पे लोगों को भरोसा बिल्कुल नहीं है और लोगों के मन में कई तरह के सवाल है कि सिलेंडर अगर 500 रुपया का करना है तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर के लिए 500 रुपया का गैस सिलेंडर कर दें, आप नेशनल स्तर पर घोषित कर दीजिए, उसको राज्य स्तर पर क्यों रख रहे हैं, एमएसपी गारंटी कम से कम आप एमएसपी इतना ज्यादा देने के लिए इच्छुक हैं, आप नकल कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र का, आप सीधे सीधे उससे कुछ 100 रुपया बढ़ा के आप दे दे रहे हैं, तो आप नेशनल लेवल पर घोषणा कर दीजिए एमएसपी गारंटी कानून बढ़ा के एमएसपी बढ़ा दीजिए। तो ये चीजें राजीव जी सामान्य जनता कह रही है और जो इन्होंने घोषणा किया है, युवाओं में इतना ज्यादा आक्रोश है यहाँ पे कि कोई भी भर्ती परीक्षा सही ढंग से मध्य प्रदेश में संपन्न नहीं होती है और जो घोषणा पत्र में वादा है कि हर परिवार को रोजगार, तो सवाल अब जनता पूछ रही है कि किसको रोजगार देंगे, वो 18 साल में तो आप रोजगार दे नहीं सके, उल्टे रोजगार मांगने वालों के साथ जो है कि अन्याय होता रहा और घोटालों के नाम पर जो है कि कितनी ज्यादा हत्याएं होती हुई रही, तो वो युवाओं का आक्रोश जिसको ठंडा करने का प्रयास किया गया है वो ठंडा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है राजीव जी। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या बड़ी गहरी होती चली जा रही है और कहीं कहीं यहां से 2024 तो 3 दिसंबर के भी कहीं हम लोग उसको भी क्लियरिटी के साथ देख पा रहे हैं और 2024 के लिए भी बड़े संदेश मतदाता अभी से देना प्रारंभ कर दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जब आप फील्ड में होते हैं, जब आप ग्राउंड जीरो पे होते हैं और लोगों से बात करते हैं तो हकीकत आपके सामने आ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और अभी राहुल लाल जी ग्राउंड जीरो पे हैं, आज जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हैं, ग्वालियर चंबल संभाग, और ये एरिया सिंधियाज के लिए जाना जाता है उनके नाम से, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं लेकिन वो चले गए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में। और लेकिन क्या भाजपा को इस बार उसकी भाजपा की नैया पार लगा पाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बड़ा सवाल है। इसी एरिया से तोमर भी चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसकी चर्चा भी राहुल गांधी ने जबलपुर सतना तमाम जगहों पे की मध्य प्रदेश में। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ कह रहे थे राहुल लाल जी, और आना चाहता हूँ उस बात के साथ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, कि पहले जब पूछते थे ग्राउंड पे जाकर कि विधानसभा में तो आप चलो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं लेकिन लोकसभा का चुनाव जब आएगा तो किसको वोट देंगे, तो जनता कहती थी कि वहां तो मोदी को वोट देंगे। बहुत लोग, हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं वो भी इस बात से कई बहुत हद तक सहमत होंगे कि ये बातें होती थी, हम लोग भी बात करते थे, नॉट 100% नहीं, 50% लोग या 40% लोग ऐसा कह देते थे। लेकिन अब ये परिवर्तन जो कह रहे हैं राहुल लाल जी, ये बहुत बड़ी बात है और यहां से देश की सियासी तस्वीर जो है उसको हम बदलते हुए देख रहे हैं क्या, और जब इसको बदलते देख रहे हैं तो फिर जनता के मन में कौन के सवाल का जवाब ऑलरेडी सामने आ जाता है। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं इस मसले को, जरा आगे बढ़ाइए और जो बात हम देख रहे हैं इन पांचों राज्यों के चुनाव में, उसमें मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ते हुए बीजेपी, लेकिन बीजेपी का ही पितृ संगठन आरएसएस वो बार बार कह रहा है कि मोदी को किनारे करो, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, आज ही मैं एक बड़े पत्रकार से मिला और मेरी जो बातचीत हुई उन्होंने भी यही बात कही जो अभी अभी लाल साहब कह रहे थे कि दक्षिण भारत में तो राहुल गांधी की हवा नहीं आंधी चल रही, वो तेलंगाना के संदर्भ में कह रहे थे, और वहां मोदी नाम का कुछ भी नहीं है, जो कुछ बचा है वो थोड़ा उत्तर भारत में जिसे गोबर पट्टी कहा जाता है, लेकिन अभी जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है उन राज्यों में भी एंटी इनकम्बेंसी जितना ऐसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, उतनी ही एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, क्योंकि असली जो जुमलाबाजी है वो नरेंद्र मोदी ने की है। वो 15 लाख रुपए देने का वादा, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, काला धन सब वापस हो जाएगा, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, ये जुमलेबाजी किसने की थी? सब नरेंद्र मोदी ने। और इस देश के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े भोले हैं, उन्होंने मोदी जी को एक बार नहीं दूसरा भी मौका दिया, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि हो सकता है कि एक बार में काम करने का उतना अवसर ना मिला हो। लेकिन आज वो लोग ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी को वो संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो काम करने से रोक रहा है, वो कौन सा विपक्ष है जो मोदी जी को काम नहीं करने दे रहा है, वो कौन से
पत्रकार हैं जो मोदी जी को काम नहीं करने दे रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जो टेलीविजन है वो दरअसल टीवी जैसे रोग में तब्दील हो गया है। लोगों ने तो वहां से अपनी निगाहें हटा ली हैं, और नरेंद्र मोदी जो लगातार झूठ बोल रहे हैं वो झूठ अब एक्सपोज हो चुका है, और यही वजह है कि लोगों को अब ये भरोसा हो गया है कि नरेंद्र मोदी नहीं, अब इस देश को वो व्यक्ति चाहिए कि जहां से वो लहर उठी थी भारत जोड़ो यात्रा से, जो दक्षिण भारत में राहुल गांधी नाम की लहर है वो वहीं से शुरू होती है भारत जोड़ो यात्रा से, और वो यात्रा जहां जहां तक गई है, और उसके बाद जो लगातार राहुल गांधी चाहे इस देश की धरती पर बात कर रहे हो या विदेश में बात कर रहे हो, चुनावी सभाओं में बात कर रहे हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हो या आम लोगों से मिलकर के अपनी बात कर रहे हो, लोग राहुल गांधी की बात पर भरोसा कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसके पहले भी जो बातें की वो बातें 100% सही थी। राहुल गांधी कहीं झूठ नहीं बोल रहे, जहां उनसे गलती हुई उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लोगों को अब ये बात समझ में आ गई है कि यही वो व्यक्ति है जो इस देश को आगे लेकर के चल सकता है, जो सच्चाई और ईमानदारी से इस देश की रक्षा कर सकता है, इस देश को समुन्नत बना सकता है, इस देश को समावेशी बना सकता है। नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ 56 इंच की छाती ठोक करके इस देश में 56 छेद कर दिए, विभाजन पैदा कर दिया इस देश में। कहीं वो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं तो कहीं जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, कहीं हिंदी के नाम पर लड़ा रहे हैं तो कहीं क्षेत्र के नाम पर लड़ा रहे हैं। मणिपुर में क्या हुआ, जहां पर नंगा करके औरतों का रेप किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी को कौन सा संविधान का अनुच्छेद रोक रहा था कि वो नहीं जाए? क्या राहुल गांधी ने उनके आगे कांटे बिछा दिए थे जो अमित शाह ने उन किसानों के आगे बिछाए थे? लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी को किसी की फिक्र नहीं है। मोदी जी को चिंता तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की है, अपनी कुर्सी की है, लेकिन ये कुर्सी, ये सत्ता, ये राज कौन देता है? वो मतदाता जिसको इन्होंने ये समझाया कि ये बिकाऊ है, राजीव जी ये जिनको पैसा देते हैं, दारू देते हैं, उन लोगों को यह बात समझना चाहिए कि आज ये दारू पहुंचा रहे हैं तो कल को आपके मुंह में ये खून आपके मुंह पर पेशाब भी करें। जिन महिलाओं को ये साड़ियां पहुंचा रहे हैं, इस देश के मतदाताओं को, उन महिलाओं को ये समझना होगा कि ये कल को उनकी साड़ियां भी उतारेंगे, क्योंकि ये इनका इतिहास है, इनके कई उदाहरण मौजूद है। तो आज जरूरत इस बात की भी है कि इस देश का मतदाता खड़ा हो, इस देश का मतदाता जागरूक हो, इस देश के नागरिक समाज मजबूत हो, और लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए इस सत्ता को उखाड़ फेंके। और यही भावना जनभावना बन रही है, और ये जनभावना जिस भरोसे की उम्मीद कर रही है, जिसमें अपना विश्वास देख रही है, उसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी आज हर जुबा पर है, और इनके तो दिमाग में है, यही वजह है, वाशिंगटन पोस्ट की शायद खबर है, अमेरिका के किसी एक अखबार की, कि इन्होंने पाबंदी लगवाई है यूट्यूब पर, ताकि राहुल गांधी की चर्चा ज्यादा दूर तक ना जा सके। लेकिन कौन रोक पाएगा, जब यूट्यूब नहीं थे, जब लोग उस तरह से चर्चा नहीं करते थे, तब भी गांधी जी वहां पहुंचे थे, और राहुल गांधी ने इसीलिए अपने पांव से इस देश की धरती को नापा, और आज लोग उसी व्यक्ति की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत दो टूक शब्दों में कहा जाए कि ये लोगों के जो मन में है वो केवल राहुल गांधी है। अब ये दूध और पानी की तरह स्पष्ट हो गया है कि कौन दूध है और कौन पानी है, कौन सच्चा है और कौन बेईमान है, कौन झूठा है और कौन ईमानदार है। इस देश की जनता इस बात को जान गई है कि कौन उनके लिए पैदल चला, किसने उनको गले से लगाया, किसने उनके जख्मों को मरहम लगाया, किसने उन्हें दिलासा दी कि आने वाला वक्त तुम्हारा होगा, इस देश के लोगों का होगा, जो संविधान में लिखा हुआ है विद द पीपल ऑफ इंडिया। और लगातार राहुल गांधी उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये बहुत स्पष्ट है कि इस देश की जनता के मन में राहुल गांधी है और केवल राहुल गांधी है। मोदी तो लगे हुए ग्रहण की तरह है, लोग उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। राजीव जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और आपसे पहले इसी बात को आगे बढ़ा रहे थे राहुल लाल जी, जो कह रहे थे
कि अब अगर आप जनता से पूछिए कि आप किसको पसंद करते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, तो लोकल भी परिवर्तन और नेशनल भी परिवर्तन, यानी कि विधानसभा में भी परिवर्तन चाहती है जनता और लोकसभा में भी परिवर्तन चाहती है जनता। पहले मोदी जी के नाम पर वोट दे देती थी, लेकिन अब मोदी भी पसंद नहीं है, ये बात लगातार। लेकिन क्या वही जो हम यहाँ लिख रहे हैं उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? और ये जो पाँच राज्यों के चुनाव हैं, इन पाँचों राज्यों के चुनाव में मोदी के नाम पर चुनाव बीजेपी लड़ रही है, लेकिन अगर बीजेपी के पक्ष में यह चुनाव नहीं आता है तो फिर मोदी जी और 2024 की तस्वीर क्या बनेगी? यह बड़ा सवाल है। जरा इस सवाल से थोड़ा सा इसका विश्लेषण, पर्दा उठाने की कोशिश प्रशांत टंडन जी के जरिए हम करते हैं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, परिस्थितियां बदल जाएं मोदी जी के नाम पर नहीं? और हम सब कर्नाटक में देख चुके हैं, कर्नाटक में आपको वो तस्वीर याद होगी जब हम और आप खड़े थे और मोदी जी रोड शो करने आए और गाड़ी उनकी 60 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड से फर्राटा मारती हुई चली गई और लोग भी जब हम लोगों ने पूछा ऑन कैमरा ऑफ कैमरा क्या कह रहे थे, वो तस्वीर आपको पता ही है। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आएगी 3 दिसंबर के बाद, अगर बीजेपी कि यहाँ पाँचों राज्यों में से एकाध राज्य जीत भी जाए तब भी 2024 की तस्वीर। राजीव जी, कर्नाटक और हिमाचल से दरअसल बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और उस बदलाव की प्रक्रिया को हम इन चुनावों में भी देखेंगे। 3 दिसंबर को जब हम चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करेंगे जी। लेकिन आज और कल जैसा कि पूरा देश में दिवाली का माहौल है और हम लोग उजाले का एक त्यौहार मना रहे हैं, रोशनी का त्यौहार मना रहे हैं, तो कुछ एक बड़े परिदृश्य की बात की जाए। देखिए, राहुल मोदी साहब की जो राजनीति का केंद्र है, जो प्रोफेसर रविकांत भी कह रहे थे, वो विभाजन है। मोदी साहब सकारात्मक एजेंडे पे कभी भी चुनाव ना लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं। तो जहां जिस भी समाज में एकता होगी, जिस भी समाज में सकारात्मकता होगी, अपने हितों की और संवैधानिक हितों की और लोकतंत्र के हितों के प्रति आस्था होगी, चिंता होगी, फिक्र होगी, वहां मोदी जी का सिक्का नहीं चलेगा। इसीलिए कर्नाटक में नहीं चला, इसीलिए हिमाचल में नहीं चला। हिमाचल में किस मुद्दों पर चुनाव लोगों ने मुद्दे क्या थे, अगर वो याद कर लें तो मुद्दे तो वन रैंक वो ओल्ड पेंशन स्कीम था, वहाँ पे महंगाई था, रोजगार था, सेब की कीमतों का मामला था। ये जो जनता के हित के मसले थे, जब ये आगे आए तो वहाँ पे मोदी साहब का ये जो हाथ ऊपर करके और आंख नचा के और थोड़ा सा ताली पीट के जो ये जो नाटकीय अंदाज है भाषण देने का, नहीं चला। और हिमाचल में तो दूसरी जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो मुस्लिम है या ईसाई है या सिख है, बहुत कम है। और अब कर्नाटक में आप देखिए, कर्नाटक में मुद्दे क्या थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय सरकार के जी। नंदिनी दूध को लेकर मुद्दा था, किसानों के मुद्दे थे, पेंशन के मुद्दे थे, इन मुद्दों पर जनता एक हुई और जनता ने उनकी सरकार को हटा दिया। ये बदलाव की लहर हिमाचल और कर्नाटक से मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की यात्रा पर था, मैं राहुल लाल जी को सुन रहा था, मुझे भी वो सब दिखाई दिया। और जो एक बात दिखाई दी, और मैं सहमत हूँ अपने मित्रों से, कि बहुत लोग अब केंद्र सरकार पर आरोप लगाते, एंटी इनकम्बेंसी मोदी साहब की है। अब मोदी साहब को उस एंटी इनकम्बेंसी को, अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए, उनको बहुत बड़ा कोई नफरत का प्रायोजन करना पड़ेगा। मैं मोदी साहब की राजनीति को 2002 और उसके पहले से भी देखता आया हूं। उनके व्यक्तित्व में ये बात है, वो सकारात्मक सोच ही नहीं सकते।
ये खामी है उनकी, जब जब वो सत्ता में कभी नहीं रहे, वो उस पे बहुत से लोगों की विवेचना तब ज्यादा आएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को डर है बहुत किस्म का, और हम लोग यहाँ पे उस डर को किनारे करके अपनी बात रखते हैं आप और हम। तो उनका जो विभाजनकारी एजेंडा है, मुझे लग रहा है कि अब जनता को थोड़ा सा एहसास हो रहा है, जिसमें आपने कहा कि जनता के मन में कौन है, तो जनता के मन में हम लोगों ने देखा जाकर कि जनता के मन में एहसास हो रहा है कि, और बहुत से लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि 2019 में उनसे गलती हुई थी, और नारे भी इस तरीके के लिखे जाते हैं। दूसरी एक बहुत अहम बात है राजीव जी, कि जो बड़े सारे जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि रेवड़ियां बांटने वाले मामले, पहले मोदी साहब ने देश की गरीब जनता का मजाक उड़ाया। आप उद्योगपतियों को छूट दें लाखों करोड़ रुपए की, तो उसको कहें लोन वेवर या एनपीए या करेक्शन, ऐसे ऐसे आप क्लिनिकल टर्म्स निकाल के ले आए, और जब जनता को उसके ही टैक्स के पैसे से उसको अगर थोड़ा सा कोई बेनिफिट मिल रहा है खाद में, बीज में, बिजली में, तो आप कहें कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अब उसी जब आप मखौल उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं इस देश की जनता की, और उसके बाद फिर आपके मैनिफेस्टो में भी ये खिल्ली उड़ाने वाला रेवड़ियां, रेवड़ियों के बोरे आप खोलते दिखाई देते हैं, वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि इनको अब एहसास इनको भी होने लगा है कि जनता अब नफरत का एजेंडा समझ रही है। अब दूसरी चीज है कि इनको कितना गंभीरता से लिया जाए। सिर्फ एक पैमाना है देश की जनता के लिए और आपके हमारे और पत्रकारों बाकी पत्रकारों के लिए जी, कि मालिक कौन है। आप अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को देखें, जितना भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आती है कि 85-90% इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बीजेपी को मिलता है, तो क्या वो कॉरपोरेट जो 90% पैसा बीजेपी को दे रहा है और बाकी पैसा बाकी पार्टियों को थोड़ा थोड़ा दे रहा है, क्या वो कॉरपोरेट ये सब चीजें करने देगा? क्या ये सब्सिडीज, ये सारी जो जनता को फायदे देने वाली स्कीमें, क्या वो लागू करने देगा? बिल्कुल नहीं लागू करने देगा जी। और अगर उसने लागू करने दिया होता तो मध्य प्रदेश में जहां 15 से 18 साल से आप सत्ता में, आपको ये करना नहीं पड़ता, आपका राज्य खुशहाल होता। गुजरात में नहीं करना पड़ता जहां इतने लंबे समय से आप सत्ता में हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं करना पड़ता। मैं पहले बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में जो किसानों की आय है वो छत्तीसगढ़ के किसानों की आय उत्तर प्रदेश के किसानों की आय से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ का किसान ज्यादा पैसे कमाता है अपनी अनाज में, और जब अनाज की उपज से, जब ये नई सरकार बनेगी और वो सब घोषणाएं जो अभी हो रही है वो लागू होंगी, तो वो और ज्यादा फासला बढ़ जाएगा। जिस कश्मीर को ये लोग कोसते हैं दिन रात राजीव जी, वो कश्मीर की जनता और कश्मीर के मेहनत कश किसान, पंजाब और हरियाणा के बाद जो कि हरित क्रांति का केंद्र रहे हैं, कश्मीर का किसान नंबर 3 पे है इनकम में। जिस कश्मीर को पानी भर भर के बीजेपी आरएसएस के लोग कोसते हैं, मोदी साहब कोसते हैं, तो सवाल ये है कि इनकी आर्थिक नीति कुछ भी नहीं है। आर्थिक नीति सिर्फ एक है कि कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाओ, जनता को लच्छेदार भाषा में भाषण दो, विभाजन करो समाज का और सत्ता में बने रहो। मुझे लगता है कि जनता ये समझ रही है, और जनता को अब बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है लोकतंत्र में। 21st सेंचुरी के हिसाब से भारत के लोकतंत्र को एडजस्ट होना है अपने आप को। इसकी चर्चा हम दूसरी बार जब आएंगे तब करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, भारत के लोकतंत्र को एडजस्ट होना है, रिफॉर्म के बाद में एडजस्टमेंट चलता है, वो क्या हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन इस वक्त चूंकि चुनाव है 5 राज्यों में और उन चुनावों को देखते हुए और 2024 का चुनाव इसके तुरंत बाद है, यानी कि इस साल का आखिरी चुनाव और 2024 का आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उस चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है, उससे पहले क्या तैयारियाँ चल रही हैं और खासकर इंडिया गठबंधन में, इन सब पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और आज भी इस चर्चा में आगे हम इस पर बात करेंगे। साथ साथ ये भी कि आखिर जनता के मन में कौन है, इन 5 राज्यों को अगर घूमिए आप और इसमें जनता से पूछिए तो क्या बोलते हैं। चलते हैं सीधा छत्तीसगढ़, हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी वहां से जुड़े हुए हैं। दीपक जी, क्या कुछ देख रहे हैं आप? आप भी पूछते होंगे लोगों से तो क्या कहते हैं कि यहाँ तो भूपेश ठीक है और वहाँ मोदी ठीक है, ऐसा कहते हैं या कुछ परिवर्तन नजर आता है? क्योंकि 2018 में भूपेश बघेल को ले आई वहाँ की जनता, लेकिन 2019 में 12 सीटों में से 11 सीटें दे दी थी, 9 सीटें दे दी थी, 11 में से 9, माफी चाहता हूँ, 11 में से 9 सीटें बीजेपी की खातिर। राजीव जी, जी पिछले साल के चुनाव में फर्क है और पिछले साल और इस साल की दिवाली में भी फर्क है। अगर हम अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं इसी को हम बड़ी दिवाली मान लें तो गलत होगा। ये जैसे छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली होती है, वैसे ही ये छोटी दिवाली मान के चलिए और बड़ी दिवाली जो है वो 2024 में आने वाली है, तो इसको हम सीमित कर देंगे अगर हम इसी को मान लेंगे कि यही बड़ी दिवाली है। हमारे जो दिवाली का जो कंसेप्ट है वो अधूरा रह जाएगा। दूसरी बात, इसको इसमें भी सीमित करके नहीं देखना चाहिए कि इसके जो नतीजे निकलेंगे 5 राज्यों के, तो उससे भारतीय जनता पार्टी दिवाली मनाएगी या विपक्ष मनाएगा। कारण ये है कि इसमें बहुत सारे दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं, इसको भी हम सीमित न करके बाहर भी देखें। ठीक है कि राजनीतिक क्षेत्र में तो कांग्रेस और जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई केवल राजनीतिक क्षेत्र में तो नहीं है। बहुत सारे पत्रकार लड़ रहे हैं, बहुत सारे लेखक लड़ रहे हैं, बहुत सारे वो सामाजिक कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं, वो जो सब जेलों में हैं या दूसरे तरीकों से लड़ रहे हैं, जो किसान आंदोलन जिन्होंने चलाया, शाहीन बाग चलाया, ऐसे बहुत सारे और क्षेत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र हैं, उनमें भी मोदी का विरोध होता रहा है, वो भी दिवाली का इंतजार कर रहे हैं। राजीव जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दिवाली अभी 5 राज्यों की है, ठीक है, इसी पर निर्भर करेगी कि बड़ी दिवाली कैसी होगी। लेकिन अब दूसरा ये हो गया कि पहले जिस तरीके से मोदी जी बेलगाम बोलते थे और जिस तरीके से वो बहुत सारे जुमले फेंकते थे, जुमले तो वो अभी भी फेंक रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि वो सारा कुछ अपने पास समेट रहे हैं, सारे विषय, सारा विमर्श। अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने एक सेंटेंस को बड़ा बोल्ड करके और उसका फॉन्ट साइज बढ़ाकर बोलना शुरू कर दिया है, और वो है ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी का वादा है। वो भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोगों का नाम नहीं लेना है, मध्य प्रदेश में भी उन्हीं कह रहे हैं कि शिवराज सिंह का भी उसकी गारंटी है। भाई अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो तो राज्यों के जरिए होगा, जहां पर खड़े होकर वो चुनाव कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार ये बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। तो उसका कारण वही फर्क है, क्योंकि मोदी ब्रांड जो है उसकी विश्वसनीयता बड़ी जबरदस्त ढंग से गिरी है, और ये भी अब लोगों को पता चल गया है कि कर्नाटक और हिमाचल हारने के बाद मोदी का जो खुद का अपना व्यक्तिगत, उनकी अपनी इमेज तो गिर रही है, उनकी पार्टी की इमेज भी गिर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उसको, उसी को रिगेन करने के लिए, रिकैप्चर करने के लिए मोदी जो है वो बार बार अपना सामने ला रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। उसका कारण ये है कि ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं होता, बेशक आप इन 5 राज्यों में मेरी पार्टी को आप सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन वो रिमाइंडर है एक तरह से कि 2024 के चुनाव में आप मेरा जरूर ख्याल रखें। दूसरी बात, इसके अलावा अब हम राजनीतिक विषय, राजनीतिक विरोधियों पे आए कि किन लोगों की दिवाली मनेगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की मनेगी, उसके बाद इंडिया गठबंधन के लोगों की मनेगी, लेकिन एक और बहुत बड़ी दिवाली जो मनाई जाएगी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो लोगों दिवाली मनाएंगे जिनको मोदी ने कॉर्नर कर दिया है। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी दिवाली अगर कोई मनाएगा तो लाल कृष्ण आडवाणी मनाएंगे, मुरली मनोहर जोशी मनाएंगे, सुमित्रा महाजन मनाएंगी, उसके बाद उमा भारती मनाएंगी, और बहुत सारे वो लोग जिन लोगों को केंद्र से उठाकर मंत्रियों को और शीर्ष नेताओं को उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए यहाँ जो राज्यों में भेज दिया है। मुझे लगता है कि अगर ये पार्टी, ये 5 राज्य हारती है भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा खेमा ऐसा जरूर होगा जो चाहे चुपके से हो, कम आवाज वाले, कम डेसिबल वाले फटाके जरूर फोड़ेंगे
कि चलिए अब कम से कम जो है 2024 के पहले पहले जो है रास्ता उनके लिए कुछ बेहतर खुल सकता है, तो उनका भी हमको ख्याल रखना होगा। आखिर वो लोग भी जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, तो सारे के सारे लोग दिवाली मनाना नहीं छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग होगा, वो भी दिवाली मनाएगा, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग होगा, वो भी दिवाली मनाएगा, ये कह रहे हैं डॉक्टर दीपक पाजपोर जी। आप समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ हो रही हैं। चर्चा हो रही है कि आखिर दिवाली तो खैर चुकी एक प्रसंग इस हिसाब से है क्योंकि ये त्यौहार आज और कल अभी लगातार इस त्यौहार है और उस पर चर्चा होती ही है। उधर एक दिवाली अयोध्या में मनाई जा रही है, 21 लाख से ज़्यादा दियों को वहां जलाकर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको शामिल करवाया जा रहा है। क्या गिनीज बुक में उस बुक में रिकॉर्ड बनाने के लिए दिए जलाए जा रहे हैं, लाखों लीटर तेल जो हैं वो जलाए जा रहे हैं, या कुछ और है? गरीबी रेखा का पैमाना क्या है, ये तो पूछा ही जाएगा, और खासकर ऐसे समय में तो पूछना भी चाहिए क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में दिए जलाने के लिए तेल नहीं है और दिवाली है, दिवाली की रात काली रात ना हो, ये सब चाहते हैं कि हमारी रात जो है वो काली ना हो, एक दिया तो कम से कम हम जला दें। लेकिन क्या संभव है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान की सरकार, मोदी जी की 10 सालों से जो सरकार है, उसने इतना प्रबंध कर दिया है कि 21 लाख दिए आप जलाइए, 21 लाख नहीं, आप वहाँ 42 लाख दिए जलाइए, आप 42 करोड़ दिए जलाइए, लेकिन यहाँ 142 करोड़ का जो दंभ भरते हैं जनसंख्या वाले इस देश में, उन परिवारों के लिए कितने दियों का इंतजाम सरकार ने किया है, ये सवाल जनता को वोट देने जाते समय पूछना चाहिए, या जो आपसे वोट मांगने आए उससे ज़रूर पूछना चाहिए। अमलिंदु उपाध्याय जी, जरा आपसे समझूं, आखिर जनता के मन में कौन, यहां हमने एक पोल किया हुआ है, 88% लोग कह रहे हैं राहुल गांधी, और बाकी बचे हुए लोग 12% लोगों के दिल में मोदी जी हैं, आपके दिल में कौन है? राजीव जी, अब मेरे दिल में कौन है, ये तो मैं तो दिल की बात अपनी कहता नहीं हूं किसी से, लेकिन मोदी जी अपनी मन की बात जरूर कहते हैं, तो जनता के मन में कौन, इससे मसला क्या है? जनता के मन में कोई भी हो, सवाल ये कि मोदी जी के मन में कौन है, तो मोदी जी तो अपनी मन की बातें कह लेते हैं, उनके मन में कौन है, उनके मन में क्या नहीं है, तो मोदी जी तो वन वे ट्रैफिक है, तो अपनी मन की बातें करते रहते हैं, जनता की सुनते ही नहीं है, जनता के मन में कोई भी हो, उससे मोदी जी को क्या लेना देना। तो जनता के हाथ में भी राजीव जी, वो शायद धूमिल की कविता है कि ये बात मैं कह रहा हूं मैं पूरे होश आवाज में, क्या जनता के पास एक ही चारा है बगावत, इस तरह की कुछ कविता है वो, तो जनता के पास तो एक ही चारा है कि भाई जब 2024 आए तो अपनी मन की बात कह लो, अगर 2024 में चूक गए तो फिर 5 साल सुनना मन की बात मोदी जी की। तो जिसको मोदी जी के मन की बात नहीं सुननी है, अपने मन की बात कहनी है, तो उसके पास 2024 में एक मौका होगा कि वो अपने मन की बात कहे और कायदे के अनुसार अपनी मन की बात कहे। उससे पहले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन लोगों के पास एक मौका है कि वो अपने मन की आधी बात अभी कह ले और बाकी बात 2024 में कह ले, तो ये उनके पास मौका है। तो कुल मिलाकर राजीव जी, मुझे लगता है कि जनता के मन में कोई भी हो, बहन मोदी जी तो नहीं लग रहे हैं, ऐसा मेरा अपना सोचना है, और जो लोगों से बातचीत होती है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। हालांकि मोदी जी का भी एक बड़ा वर्ग है जो उनका समर्थक है, और उसके मन में मोदी जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब राहुल गांधी जिनके मन में, मुझे लगता है कि वो वर्ग काफी बड़ा होता जा रहा है, और जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रही है उसकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है लगातार, और मोदी जी जिनके मन में है वो संख्या लगातार घटती जा रही है, ऐसा लोगों से बातचीत करके ये एहसास होता है। और ये कितना सच है कितना गलत है, ये थोड़ा बहुत जो है वो मालूम पड़ जाएगा इन 5 राज्यों विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे 3 दिसंबर को, काफी कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जनता के मन में कौन निवास कर रहा है और जनता क्या 2024 में चाहती क्या है, तो ये बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल राजीव जी, जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं, आज तमाम हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अब शिवराज सिंह जी का वो जारी हुआ आज वो घोषणा पत्र जो है वह मध्य प्रदेश में, अब सुप्रिया सिंह कह रही थी कि सब जगह मोदी जी ने हस्ताक्षर किए, लेकिन यहाँ मोदी जी ने हस्ताक्षर ही नहीं किए, अब मोदी जी ने हस्ताक्षर सही नहीं किए, अब शिवराज सिंह जी वो खुद जो है वो कमलनाथ के लिए वोट मांग रहे हैं आज, और आज जो उन्होंने ट्वीट किया, हम लोगों ने खबर भी लगाई है अपने, हम लोग देख सकते हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, हमारे टीवी लाइव पे, कि शिवराज सिंह जी ने ट्वीट किया कि जनता के मन में कमल है और दिवाली कमल की है, सब कुछ कमल का है, तो लोगों ने नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया कि आप तो कमलनाथ के लिए वोट मांग रहे हैं, तो अब जब शिवराज सिंह जी ही जो है वो कमल के लिए वोट मांग रहे हैं इस तरीके से, जनता के मन में कमल है, तो मोदी जी के मन में क्या है, ये तो साफ हो गया
कि जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, तो मध्य प्रदेश को लेकर के तो स्पष्ट हो गया कि वहां कमल है जनता के मन में, तो अब कमलनाथ समझा जा रहा है वहां कमल से मतलब, क्योंकि मोदी जी के मतलब उन्होंने कहा ही नहीं शिवराज सिंह जी ने कि जनता के मन में शिवराज जी हैं, कि जनता के मन में मोदी जी हैं, कि नहीं, उन्होंने कहा जनता के मन में कमल है, तो जब कमल है तो ठीक है भाई, सब कमल ही कमल है। तो ये जो चीजें चल रही है राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां जो है वो काफी ज्यादा प्रतिकूल होती जा रही है। हालांकि कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी आखिरी दिन तक की परिस्थितियां उसके अनुकूल हो, और जो उसका हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करने का जो उसका प्रिय मुद्दा है, जो प्रिय उसका हथियार है, उसका भी इस्तेमाल धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगा। जैसे मोदी जी गए थे उदयपुर, तो वहां कन्हैया लाल का बाबा जिक्र किया, अब जयराम रमेश कल थे और कल उन्होंने चित्र जारी कर दिया कि उसमें जो मुलजिम है कन्हैया लाल के मामले में, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, तो ये जारी कर दिया वहां उन्होंने कि ये देखिए ये फोटो है उसका। तो इस तरह की चीजें जो सब आ रही हैं, तो मतलब वो बाज नहीं आएंगे अपने काम जो उनको करने हैं उस तरीके से, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये हिंदू मुसलमान करके जनता को बांटने का काम करते हैं, और पीछे से जब जब ये हिंदू मुसलमान करते हैं पीछे से कोई ना कोई एक संस्थान जो है वो मालूम पड़ता है अपने मित्र को बेच देते हैं औने पौने दामों में। तो जनता इस बात को लगता है धीरे धीरे समझ रही है, और जनता जैसे जैसे इस बात को समझती जाएगी राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ती जाएंगी और अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के समाप्त हो जाएंगे, जनता के वास्तव में अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे जब ये सरकार जाएगी राजीव। शिवराज सिंह चौहान जी लिखते हैं कि अब की दिवाली कमल वाली, माँ लक्ष्मी को कमल पसंद है और जनता को भी कमल पसंद है, इसीलिए दिवाली कमल वाली। कांग्रेस पूछ रही है कमलनाथ वाली, प्रचार तो आप यही कर रहे हैं, चलिए खैर। तो ये और दूसरी तरफ आप कांग्रेस कह रही है अब की दिवाली हैप्पी दिवाली कांग्रेस वाली, अभी आप सुन भी रहे थे। तो कमल वाली दिवाली जो लिख रहे हैं, जिसके बारे में अभी कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, उस पर भी कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह चौहान को घेर रही है, क्योंकि कमलनाथ हैं दूसरी तरफ, कमलनाथ कमल। चलिए खैर, शब्दों के हेर फेर, शब्दों की बाजीगरी, और ये पॉलिटिक्स में चलती रहती है, चलाना भी चाहिए, बहुत अच्छा होता है, तभी तो जनता को जरा गुदगुदाते भी हैं आप हैं और अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास एक बार फिर से। स्वामी जी कैसे देखते हैं, और जनता के मन में कौन पर हम बात कर रहे हैं आज, राहुल गांधी या मोदी जी? आज मोदी जी मध्य प्रदेश में भी थे और तेलंगाना में भी थोड़ी देर पहले वहां अपने अपनी रैली में जनसभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसी तेलंगाना में हमने वो तस्वीर भी देखी जहां कठपुतली के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके हाथ में दो डोर है, दोनों हाथों में एक में केसीआर और दूसरे में आप देख रहे हैं तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी हैं। इन तस्वीरों को आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत तहलका मचाए हुए है वहाँ पर तेलंगाना में, लेकिन क्या तेलंगाना से लेकर के इधर छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश तक जो तस्वीरें जो खबरें आ रही हैं वो खबरें परेशान करने वाली हो सकती हैं बीजेपी के लिए, उनके स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और ऐसे में क्या जनता के मन को टटोलने की कोशिश करें तो 2024 की तस्वीर कैसी बनती हुई आपको दिखाई देती है स्वामी जी? देखिए राजीव जी, बीजेपी के लिए जितनी ये सूचनाएं कष्टदायक हैं उससे ज्यादा ये सूचनाएं कष्टदायक हैं गौतम अडानी जी के लिए। देखिए, देश की जनता को एक आर्थिक सामाजिक स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। छोटा सा बिल्कुल सीधा सिद्धांत है, उसको जनता समझे। देखिए, हमारे देश में पिछले 9 साल के अंदर जो विदेशी ऋण है वो 3 गुने हो गए, और हमारे देश की GDP की जो बढ़ने की गति मनमोहन सिंह जी के जमाने में थी वो 2% घट गई। इसका मतलब समझे जनता, इसका मतलब यह है कि आप नए ऋण ले रहे हैं पुराने ऋणों को वापस करने के लिए। अच्छा, कांग्रेस भी घोषणा पत्र जारी कर रही है, बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर रही है, क्या यह संभव है? ये बड़ी छोटी सी चीज है समझने की, अडानी जी को भी सब कुछ सौंप दे और बाकी 80% जनसंख्या को भी सब कुछ सौंप, ये संभव नहीं है। देखिए, आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा जिससे कि सही वितरण हो गरीबों के बीच में और जिनकी अपेक्षाएं उनके बीच में। देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र बिल्कुल स्पष्ट है, हम गरीबों को और मध्यम वर्ग को देंगे, और लेंगे किससे? हम अमीरों से लेंगे, हम कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाएंगे,
हम कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएंगे, जो घटा के 1.5 लाख करोड़ पर ईयर का नुकसान कर लिया मोदी जी ने, जिससे शेयर मार्केट बूम करे और जनता को ये गलतफहमी दी जा सके, क्योंकि शेयर मार्केट बूम कर रहा है इसका माने इकॉनमी बूम कर रही है, कॉर्पोरेट टैक्स घटने की वजह से ऐसा हुआ। देखिए, देश की गरीब जनता को, किसानों को, अगर किसानों को एमएसपी दे दी जाती जो किसान मांगते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए पर ईयर का खर्चा है केवल, 2.5 लाख करोड़ पर ईयर का, और आपने जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ किए, कितने किए, 15-16 लाख करोड़। आप एक गरीब आदमी का 1 लाख रुपए, तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो कांग्रेस कह रहा है, कह रही है, वो ये कह रही है कि हम गरीबों के ऋण माफ करेंगे और अमूरियों से वसूलेंगे। क्या ये संभव है मोदी जी का कि अडानी जी की संपत्ति को भी बढ़ाएं और गरीबों की भी संपत्ति को बढ़ाएं? इसका मतलब ये है कि अगर आपको देश की गरीब जनता को पैसा देना है, बच्चों को अब बिहार गवर्नमेंट ने नौकरियां दी और वो नौकरियां दे रहा है, क्या ये नौकरी देना संभव है? हाँ, ये नौकरी देना संभव है, लेकिन इसके स्रोत कहाँ से आएंगे? अब इसके स्रोत ऐसे आएंगे, जो लोग लंदन जाके बैठ गए हैं और 1.5-1.5, 15-15, 20-20 हजार करोड़ लोग के भागे नहीं है, उनको भगाया गया है, और जिस प्रकार की हवाला रैकेट से और हम लोगों से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम पे, एनर्जी चार्जेस के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, $80 के क्रूड प्राइसेस होने के बावजूद हमसे वही डीजल और पेट्रोल का प्राइस लिया जा रहा है जो कि $115 पर बैरल के जमाने में हमसे लिया जाता था। तो ये जो बीजेपी की नीति है, जनता को लूटो और अडानी जी को दो, जो कांग्रेस की नीति है वो ये है कि पूंजीपतियों से वसूली की जाएगी, उनसे पैसा वसूला जाएगा, विदेश से बड़े बड़े सेठों को बुलाया जाएगा जो हीरा बेचते थे और नकली हीरा बेचते थे, और देश की गरीब जनता को बांटा जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि देश की जो बहुसंख्यक जनता है जो वोट देती है, उनको राहुल गांधी की मोहब्बत की बातें और ये बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि वो जो दावे उन्होंने किए थे उसको पूरा किया। मोदी जी जो कह रहे हैं वो अडानी जी उनसे नाराज हो जाएंगे अगर अडानी जी की संपत्तियों से वसूली करके गरीबों में बांटेंगे, क्योंकि जो सारा पैसा है वो सबको पता है किसका है, ए का पैसा बी के पास है और बी का पैसा ए के पास है, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान, शक्तिमान ही गंगाधर है। लेकिन क्या शक्तिमान गंगाधर इन सब से अलग अगर निकलें और राजनीति की जो बिसात है उसको देखें, तो क्या इस बिसात में अब बाजी किसी और के हाथ में है? एक बड़ा सवाल है राहुल लाल जी, अब क्या बाजी किसी और के हाथ में है? अभी तक कोई और पासा फेंकता था, कोई और कुछ लोग तमाशा देखते थे, लेकिन अब किसी और के हाथ में पासा है और तमाशा कोई और देख रहा है, ऐसा माना जाए, क्योंकि आप सड़कों पे हैं, आप ग्राउंड पे हैं, आप देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आपका विश्लेषण हम लोगों से भी बेहतर होगा, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं, क्या कुछ आप देख रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। 7 सितंबर से जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई, तो उसके बाद से भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा सा बदलाव आया, जो अब तक कहता है कि पॉलिटिकल पिच जो तय करती थी भारतीय जनता पार्टी तय करती थी, वो पूरे स्थितियां राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले लिया कि अब पॉलिटिकल पिच वो तय करते हैं और उनके पिच पे आके कांग्रेस को खेलना पड़ता है। हम लोग अब देख रहे हैं कि घोषणा पत्र में राहुल गांधी पहले वादा करते हैं कि भाई एलकेजी से लेकर पीजी तक, केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त, अब देखिए वो भारतीय जनता पार्टी को नकल करना पड़ रहा है। तो स्थितियां यह है कि अब आप देखिए मध्य प्रदेश में जो जनसैलाब है वो राहुल गांधी के सभा में कितनी बड़ी, हम लोग एकदम पूरे एनर्जी के साथ जनसैलाब देख रहे हैं, उसमें एनर्जी भी है, उल्टे प्रधानमंत्री के भाषण में वो एनर्जी नहीं है तो उनके समर्थकों में वो एनर्जी कहां से बचेगी? प्रधानमंत्री के साथ बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, समस्या ये है कि अब उनके परफॉर्मेंस के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 9.5 साल में क्या किया है, और वहां पे अब उनको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि अभी नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू हुई थी, अब आज के डेट में कोई भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह से नोटबंदी के ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं किया, तो ये सब सवाल जनता के बीच में है, जनता एक एक चीज पर नजर रख रही है। राहुल गांधी ने इस साल में जिस तरह से अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों के मामले को और तमाम भ्रष्टाचार के मामले उठाए, मैं अभी ग्वालियर में हूं, यहां पर भी जब मैं राजस्थान था वहां पर भी लोग लगातार जो है कि ये चीजें पूछ रहे हैं कि भाई ये अडानी जी का मामला क्या है। तो सोचिए अडानी जी का मामला बिल्कुल जन जन तक पहुंचा हुआ मामला बन गया है, सबों को लग रहा है कि कहीं कहीं जनता की गाढ़ी कमाई जो है कि कुछ चंद उद्योगपतियों को दे दी जा रही है, ये जनता सवाल पूछ रही है। आप स्थिति ये देखिए
कि अभी जो मैं बेरोजगार लोगों से जब बात कर रहा हूं यहाँ पे सुबह सुबह लोग घूम रहे हैं, कह रहे हैं 2017 के बाद सब इंस्पेक्टर की कोई बहाली नहीं आई है, एक आध कोई छोटी बहाली आई उसकी भी सीटें सारी की सारी सीटें लूट ली गई मध्य प्रदेश में। तो अब जो वैकेंसीज है गवर्नमेंट की वो उसके लिए, लेकिन लोगों की परेशानी है कि यहाँ से हमें एक दो लोग ऐसे मिले जो कि ग्वालियर से भी सेलेक्ट हुए हैं बिहार के एग्जामिनेशन में, टीचर के परीक्षा में जो है यहाँ से भी बच्चे गए थे बिहार परीक्षा देने के लिए। ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि आप आखिर बच्चों के रोजगार के माध्यम को कैसे बंद कर रहे हैं। बेरोजगारी में अग्निवीर का मामला, सोचिए मैं मध्य प्रदेश चुनाव के लिए घूम रहा हूँ, राजस्थान चुनाव के लिए घूम रहा हूँ और मेरे सामने मुद्दे अग्निवीर जैसे लग जाते हैं। अभी भी लोग अग्निवीर को लेकर काफी ज्यादा युवा जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी से नाराज है कि आप किस तरीके से मतलब देश की सेना को कैसे खोखला बना सकते हैं, और अगर हम लोग सेना के माध्यम से राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं फिर उसमें कैसे प्रधानमंत्री जी बाधा बन सकते हैं। ये तीखे तीखे सवाल है लोगों के मन में। वो तो प्रधानमंत्री जी वन वे क्वेश्चन वन वे चलते हैं, अपनी मन की बात सुना देते हैं, लेकिन अगर वो भी जनता की मन की बात सुनते अगर तो उनको बड़े तीखे सवाल सुनने पड़ते हैं। इसलिए हमें नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री कभी जनता के मन की बात को सीधे सीधे राहुल गांधी के तरीके सुनेंगे। और इन 5 विधानसभा चुनावों में स्थितियां ऐसे बदली, चूंकि हमें अभी भी याद है मैं लगभग एक सवा साल पहले जब राजस्थान घूमता था लोग सभी लोग कहते थे मुश्किल से कि कांग्रेस को 25-30 सीटें आ जाए वो बड़ी मुश्किल चीज है। मैं पिछले दिसंबर नवंबर की बात कर रहा हूं राजीव जी। और अब आप सोच के देखिए कि आज स्थिति यह है कि आप अगर कोई बीजेपी का कट्टर समर्थक भी है और उससे भी पूछिए तो वो भी कहेगा कि समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होगी। यानी वो भी मान रहा है और बीजेपी के समर्थक भी कि बहुत ही कड़ा मुकाबला की स्थिति है, वो भी कहेगा, वो नहीं कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक पक्षी जीत रही है। एक साल में यह परिवर्तन आया और इस पूरे परिवर्तन के पीछे राहुल गांधी के द्वारा लगातार जमीनी मुद्दों को उठाना, और जनता कितनी समझदार है, हमें मध्य प्रदेश में कई लोग मिले यहाँ पे और एक एक छोटी छोटी चीजों पर बारीक नजर रख रहे हैं। कमलनाथ जी का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कमलनाथ जी ने नाविका कुमार का इंटरव्यू दिया है अगर उन्होंने, तो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि राहुल जी जब टीम इंडिया ने घोषित कर दिया था कि 14 लोगों को जो है हम लोग उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो आखिर अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के कमलनाथ जी क्यों बात कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का, लेकिन अगर उनके नेता कोई भी कमी बेसी कर दे रहे हैं तो उसके ऊपर तीखी निगरानी रख रही है जनता। तो मैं तो मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र काफी मजबूत जगह पर खड़ी है, जनता अभी भी अपने बुद्धि कौशल तमाम तरह की चीजों का भरपूर प्रयोग कर रही है। एक एक छोटी छोटी घटनाओं को वो बोलती नहीं है वो, लेकिन एक एक छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर उनकी पहली नजर है राजीव जी। बिल्कुल, सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करेंगे। आप सोच के देखिए कि जब मैं मध्यम वर्ग के लोगों से भी बात कर रहा हूं, उनका कहना कि भाई आपने सड़क पर टोल टैक्स इतना बढ़ा दिया है, आप चंद दूरी पर कहीं से कहीं जाइए आप देखिए कि आप टोल टैक्स देते देते लोग परेशान हो जा रहे हैं, और टोल वाली सड़कें भी बहुत अच्छी हालत में कई जगह पे नहीं है, यानी वो भी कई जगह पे जो कि उसकी बुरी स्थिति है उसकी, यानी आप हैवी टोल भी दीजिए और अच्छे सड़क का आनंद भी नहीं लीजिए। आपके सड़क सुरक्षा के लिए अगर आपकी गाड़ी की दुर्घटना हो जाए भारी भरकम टोल देने के बावजूद भी वहां पर आपके लिए जो है कि कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है कि आपको इमरजेंसी कोई सहायता मिल पाए आपको, ये भी बात लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल 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 राहुल लाल जी, बहुत सारी बातें जो उठा रहे हैं लोग और उन बातों को आप यहाँ बता रहे हैं, और यही फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कहलाती है दोस्तों, कि आप जब सूचना आपके पास हो, जब आप लोगों से मिलते हैं, उन सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और वो भी आपसे सीधा मुखातिब होकर, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, कैसे आप देखते हैं प्रोफेसर रविकांत जी मूल मुद्दों की बात जब हम करते हैं चुनाव में, और उसमें क्यों पिछड़ती हुई बीजेपी नज़र आती है, क्यों उन मुद्दों से बीजेपी खुद को दूर भगाती हुई नज़र आ रही है इन 5 राज्यों के चुनाव में, जहाँ पर रोजगार की बात हो, बेरोजगार युवा आज भी पूछते हैं कि आखिर रोजगार कहाँ है, क्या ऐसी चीज़ों को जुमला कह करके नज़रअंदाज किया जा सकता है, और वो भी तब जबकि सामने चुनाव हो 2024 का चुनाव, 2023 का ये चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव तो लगभग अब समापन की ओर है, 2024 के चुनाव में जो मोदी जी ताल ठोक रहे हैं कि तीसरी बार हम सत्ता पर काबिज होंगे तो देश को दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति तक पहुंचा देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस हाल में जहां बेरोजगारी हो, गरीबी हो, महंगाई हो, इन तमाम मुद्दे हों, भुखमरी में ये देश हमारा 111वें नंबर पर आ चुका है 120 देशों की सूची में, और ऐसे में मूल मुद्दों से भटकना, भागना, क्या ये सबसे बड़ी कमजोरी है मोदी जी की? नहीं, मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, भुखमरी की कगार पर लोग हैं, कुपोषित हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं,
8 करोड़ की तो शायद उनकी कार है और कितनी बड़ी गाड़ियों का काफिला है, 20,000 करोड़ का महल बनवा रहे हैं। तो मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मोदी जी ने जिससे वादा किया, जिसके हवाई जहाज में बैठ करके वो शपथ ग्रहण करने के लिए आए थे, उस अडानी को उन्होंने दुनिया का 2 नंबरी अरबपति बना दिया था। अब वो बात अलग है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनका क्या हाल हुआ है, लेकिन उस समय भी अगर ये हो जाता तो नरेंद्र मोदी अपनी छाती ठोक रहे होते कि देखिए हमने ये कर दिया। लेकिन उनको वो फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब कितने हो गए, मंदिरों के सामने भिखारियों की तादाद कितनी बढ़ गई है, एक बीजेपी का लीडर एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहा है, दलितों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं वो तो अलग है, और नौकरियां तो गायब हो चुकी है, सारे पीएससी बेच लिए हैं, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि आप चले जाइए, कौन सा हवाई अड्डा, कौन सा स्टेशन, सारा का सारा अडानी साहब का, इस देश के लोगों का बचा क्या। मोदी जी ने तो जुमला जो किया, जो वादे किए, लेकिन असल में काम किया अडानी जी के, और यही वजह है कि आज वही जनता, वही लोग मोदी जी से मुंह फेर रहे हैं। और राहुल गांधी आज उस समझ गए हैं नब्ज को कि असली मुद्दे क्या है। कि राजू जी, मैं करीब करीब 1.5-2 साल से इस बात को कहता रहा हूं कि बीजेपी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीतती। हिंदुत्व केवल उसका एक नैरेटिव होता है जिसके जद में वो विपक्ष को फंसाता है, लेकिन असली जो खेल वो करते हैं वो है सोशल इंजीनियरिंग, जातियों को आपस में लड़ा करके, विभाजन पैदा करके, एक धर्म के खिलाफ लोगों को एकजुट करके, एक बृहत हिंदू एकता बनाने की जो कोशिश करते हैं वो असली चुनाव को जीतने का कारण वो था। लेकिन अब वो छद्म उनका टूट गया है, क्योंकि वो अशोक मोची जो 2002 के गुजरात दंगों का पोस्टर बुआया था, राजीव जी आज भी वो जूते ही गांठ रहा है। और भी तमाम इस तरह के लोग जिनको उस पूरे राम मंदिर के आंदोलन में इस्तेमाल किया गया, और मोदी जी के उस हिंदुत्व के रथ के सवार होकर के जो तमाम लोग पीछे पीछे आए थे, वो सब बेरोजगार हैं। वो नौजवान जो देशभक्ति के नाम पर मोदी जी के समर्थक बने हुए थे, आज उनको समझ में आ गया कि असली देश क्या होता है। देश का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है, देश का मतलब रोटी रोजगार, जो सामाजिक लोकतंत्र, जो लोगों के साथ सहकार का भाव, वो है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और इस देश में जो भी समस्या है उनका सामना करें। लेकिन मोदी जी ने तो लोगों को ही बांट दिया, मोदी जी ने इस लायक छोड़ा ही नहीं, मणिपुर को बांट दिया, देश को बांट, कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा समाज है जिसको उन्होंने छोड़ा हो। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं पूरी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए, ये देश तो प्रेम से जुड़ेगा, इस देश की समस्याओं का समाधान करके हम देश को मजबूत करेंगे, ना कि किसी अंबानी और अडानी को धनाढ्य और अरबपति बना करके उसको संपन्न बनाएंगे। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका इस्तेमाल होना चाहिए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की उन्नति के लिए, ना कि किसी 2 अरबपतियों के लिए। ये हाल, और वो अरबपति क्यों? क्योंकि मोदी जी को चंदा चाहिए, और चंदे का इस्तेमाल वो कब करते हैं, लोगों को कहीं वो दारू पिला करके, कहीं और पैसा नगद दे करके, कभी धर्म की चाशनी में लोगों को अंधा बना करके। ये जो वोट हासिल करने का जो पूरा तरीका निकाला गया था, लोगों की अब आंखें खुल चुकी हैं कि ये तो जो हमने देखा वो छद्म था, ये झूठ था। और अब उस झूठ के सामने जो एक मशाल की तरह जल करके सच्चाई सामने आई है, उसका नाम राहुल गांधी है। और उस राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, पूरे आरएसएस को नंगा कर दिया है कि देश में असली जो सेवा होती है, राष्ट्र सेवा, उसे क्या कहते हैं। वो हवाई जहाज में घूमते हुए विदेशों की यात्राएं करना नहीं है, वो 8,000 करोड़ की गाड़ियों में घूमना इस राष्ट्र की सेवा नहीं है। राष्ट्र की सेवा है राष्ट्र के लोगों से मिलना, उन विकलांगों से मिलना, उन बुजुर्गों से मिलना, उन बच्चों से मिलना, उन महिलाओं के दुख दर्द को बांटना, उन आदिवासियों के हाल चाल पूछना जो लकड़ी बीन करके, काट करके अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, जो तेंदू पत्ता को ला करके अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, उन लोगों के दुख दर्द में शामिल होना और उनकी तरक्की के लिए काम करना, असली राष्ट्रहित ये है। और उसको राहुल गांधी के जरिए
इस देश की जनता जान चुकी है और यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी को शर्म आती है। अभी 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 वो सक्रिय हुए हैं, कब से चुनाव का ऐलान हो चुका था, ये ऑर्गेनाइजर ने लिख दिया था कि मोदी जी के अब चेहरे पर चुनाव नहीं जीते जा सकते, नेहरू मोदी जी को तो अब अपना चेहरा छिपाना पड़ेगा। वो मोदी जी जो परिवारवाद की बात करते थे, आज तो मैं अभी खबर एक पढ़ रहा था कि येदुरप्पा के बेटे को अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है कर्नाटक में, ये परिवारवाद नहीं है क्या? लेकिन नहीं, परिवारवाद तो सिर्फ गांधी परिवार में आता है, यहां तो संघ परिवार भी चल रहा है। इस छद्म को लोगों ने समझ लिया है और अब मुझे लगता है कि लोग और ज्यादा टॉलरेट करने की पोजीशन में नहीं है और यही परिवर्तन राहुल लाल जी देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, मैं तो लखनऊ बैठा हूं, और यही परिवर्तन देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हमारे मित्र। तो चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि सिक्का एक ही चल रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो खोटा सिक्का है, लोगों ने रगड़ करके दीवार पर अब देख लिया है, ये चलने वाला नहीं है आज के बाजार में, इसको अब दुकानदार वापस कर दे रहा है, वो हो गए नरेंद्र मोदी। इस खोटे सिक्के को आप कब तक चलाओगे? ऑर्गेनाइजर ने भी कह दिया है और आरएसएस भी अब मुझे लगता है कि मुंह फेर रहा है। जी राजीव जी, जी आरएसएस मुंह फेर रहा है, आरएसएस को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन प्रशांत टंडन जी कैसे देखते हैं, आप कह रहे थे कि सेकंड राउंड में बात करेंगे, 2024 की तस्वीर। जी देखिए, 2024 की तस्वीर का एक हिस्सा और बड़ा हिस्सा हमको 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा, और जो मैंने कहा कि परिवर्तन की जो शुरुआत हिमाचल कर्नाटक से हुई वो जारी रहेगी। मैं भी क्षेत्र में घुमा हूँ, आप भी घूमे, और आपको हम लोगों को अंदाज है कि 3 दिसंबर को क्या होने जा रहा है, और निश्चित तौर पर 5-0 या बहुत अच्छा हुआ बीजेपी के लिए तो 5-1 हो सकता है, और 5-0 की प्रबल संभावना है। तो अब 5-0 होता है तो देखिए फिर मोदी साहब के नेतृत्व पे सवाल तो अभी कोई उठाएगा नहीं बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी अब बची नहीं है, बीजेपी बतौर पॉलिटिकल पार्टी अब बची नहीं है, उसके अंदर कोई कार्यकारिणी, कोई पदाधिकारी, किसी की कोई हैसियत नहीं है, वो सिर्फ मोदी और अमित शाह है और कोई नहीं है वहाँ पे। तो सवाल तो उनकी नेतृत्व पे नहीं उठेगा, कौन उठाएगा? आरएसएस की चर्चा होती है, आरएसएस को मैं बहुत ज़्यादा चर्चा उसकी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जनता के बीच में नहीं है आरएसएस, और दूसरा कि आरएसएस कोई एक रजिस्टर्ड बॉडी भी नहीं है, कोई वैधानिक संस्था नहीं है वो, तो उनको कुछ लोगों का एक वो ग्रुप है जो अनौपचारिक है, उसके बारे में कितनी चर्चा की जाए जी। दूसरा कि देखिए जो देश के सामने एजेंडा 21st सेंचुरी का है, और पिछले 8-9 साल में देश जो है वो बहुत पीछे गया है, आप डेमोक्रेसी इंडेक्स देखें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखें, और अगर आप भारत के बाहर जाते हैं तो आपको दिखाई सुनाई पड़ता है कि भारत का जो सबसे बड़ा जो ब्रांड था भारत का, वो हमारी डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, और लोग पूछते हैं भारत में कि भाई ये बीफ खाने पर या गाय के नाम पर लोग मार दिए जाते हैं आपके देश में। राजीव जी ये मैं अपना किस्सा आपको बता रहा हूँ कि मुझसे एक विदेशी पत्रकार ने विदेश की जमीन पर किसी देश के राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, और मेरे बगल में जर्मनी की एक पत्रकार बैठी थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले पूछा, जब वो मालूम पड़ा कि मैं इंडिया से हूँ, तो उन्होंने पूछा कि आपके देश में ये गाय के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है? तो ये झंडा मोदी जी लेकर गए हैं। आप सोचिए कि बतौर भारतीय आपको क्या गुजरेगा आपके ऊपर, जब आप दुनिया में ट्रेवल करते हैं तो शायद ही, मैंने तो कोई ऐसा देश नहीं देखा जहाँ पे गांधी की मूर्ति ना हो, यहाँ पे गांधी स्ट्रीट ना हो, तो और वो उस ब्रांड के साथ जब आप बाहर जाते हैं और आपसे लोग सवाल पूछने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है आपके देश में, तो देश को सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है 2024 में जो तय करने हैं कि देखिए मनमोहन सिंह के समय में आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक नीतियाँ आई और वो मोदी साहब ने कंटिन्यू ही करी,
वो बात अलग है कि उसमें उन्होंने सिर्फ एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए ही वो काम किया। दूसरा, अब जो जरूरत है वो जरूरत जो रविकांत जी कह रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग को के ऊपर सोशल जस्टिस की बात हो, अब जाति जनगणना की बात हो, ये सारी सच्चाइयां, डेमोक्रेसी के रिफॉर्म्स की बात हो कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करे, कॉरपोरेट को चंदा दिया जाता है वो कैसा पारदर्शी कितना हो, मीडिया की फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम कैसी हो, भारत में विदेशी कंपनियां सोशल मीडिया कैसे काम करें। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ और आप सब ने देखा होगा कि वो एक इंटायर पॉलिटिकल साइंस के बाद एक नई डिग्री सामने नया आया कि ओनली बीए। तो ये ओनली बीए वाला, या जो लोग मान रहे हैं कि 2014 में ही देश आज़ाद हुआ, या एक लड़की ये कहते हुए सुनाई पड़ती है, एक विश्वविद्यालय की लड़की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई, कि भारत को अंग्रेजों ने 99 साल की लीज पर दिया था। तो इस तरीके की ये विदेशी जो सोशल मीडिया कंपनी, उन्होंने ये जहर बीजेपी आईटी सेल के तहत फैलाया है, या तमाम इस तरीके के जो फेक आईडीज हैं। जरूरत इस बात की है कि इसको, इस जहर को कम किया जाए। देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा कि आप ऐसा काम ना करें कि आपका मजाक उड़े। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी का एजेंडा है, और आप पिछले कुछ एक 1.5 साल से देख लीजिए कि बीजेपी उस पर रिएक्ट कर रही है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, चाहे वो तेंदुपत्ते की बात भी करें राहुल गांधी, तो उस तेंदुपत्ते के एजेंडा में भी बीजेपी आती है। तो और मोदी साहब का जो लगातार जो ग्राफ है, वो अपने आप गिरेगा जब लोग सचेत होंगे। और मुझे लगता है कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बोलेगा आज, वो कल उत्तर प्रदेश भी बोलने को बाध्य हो जाएगा। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, कल उत्तर प्रदेश भी बोलने को बाध्य होगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की हैं, और आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है उत्तर प्रदेश। 2024 के चुनाव में क्या कुछ होगा, इस पर तो चर्चा हम लगातार करेंगे। 6 महीने का वक्त वहाँ है बचा हुआ, उससे भी ज़्यादा का वक्त है, लेकिन इधर जो वक्त नहीं बचा है वो है 5 राज्यों के चुनाव का, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस दौरान जो कुछ हम फील्ड में देख रहे हैं, जो इन राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान हम देख रहे हैं, या हम लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके दौरान देख रहे हैं, और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता के मन में कौन है, नरेंद्र मोदी हैं या राहुल गांधी हैं, एक चर्चा हम इधर छेड़ रखे हैं अपने कमेंट बॉक्स में, और यहाँ भी पोलिंग पोल के ज़रिए लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपके मन में क्या है। अभी तक देखिए 3437 3440 लोगों ने पोल में ये बताया है कि राहुल गांधी के जो हैं वो जनता के मन में 86%, यानी कि 86% लोगों के मन में राहुल गांधी हैं, जबकि 14% लोगों के मन में मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री पद पर, लगभग 10 साल से प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं, और उसके बाद उनकी लोकप्रियता इतनी कम हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि जो बात यहाँ राहुल लाल जी कह रहे हैं कि जब ये पूछते हैं लोगों से कि ठीक है यहाँ तो आप विधानसभा चुनाव में लोकल लेवल पे आप देख लेंगे, लेकिन वहाँ क्या देखेंगे 2024 के चुनाव में, तो कहते हैं नहीं, मोदी नहीं। तो अगर मोदी जी को नहीं पसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो यहाँ पोलिंग जो हम लोग करवा रहे हैं उस आधार पे भी, तो इसका मतलब है कि तस्वीर बदल रही है, और इस बदलती तस्वीर के गवाह आप भी हैं और हम भी हैं, और आने वाला वक्त तो इस तस्वीर की सूरत दिखा देगा, लेकिन अभी उस वक्त का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे तमाम साथी, राहुल लाल जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रशांत टंडन जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी।